तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 12,489 पदों पर भर्ती निकल कर आ चुका है और ये काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती, नई अपडेट्स, नए वैकेंसीज के साथ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में, और ये सबसे बड़ी भर्ती और सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती इसलिए क्योंकि आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम दिलाना होगा, देन आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। इंटरव्यूज़ भी होता है लेकिन उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो पहला पड़ाव होता है उन्हीं के बारे में सोचना होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ज़िंदगी में सक्सेस इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो अपने प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है उनके बारे में नहीं सोचते, वो अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचते, या फिर बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर्स को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए फ्यूचर को भूल जाइए, पास्ट को भी भूल जाइए, अपने मन को जो है वर्तमान क्षण पर, जो प्रेजेंट जो आपके वर्तमान चल रहा है उस पर जो है कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आया है, सुनहरा अवसर है, मौका है। तो 12,489 पोस्ट है, इसको लेकर 2022 से ही चल रहा है कि आखिरकार जो है, देखिए CGTET एग्ज़ाम जब 18 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है, 21 अक्टूबर को रिजल्ट भी आया और बिलासपुर हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है और उन्होंने 58% आरक्षण को सिरे से नकारते हुए 58% आरक्षण को रद्द कर दिया, फिर 50% आरक्षण, फिर उसके बाद 76% आरक्षण 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित हो चुका है। लेकिन तब से लेकर अब तक जो है कोई भी भर्ती निकल कर नहीं आई है और जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जिनकी भर्तियां, जिनके रिजल्ट आना रुका हुआ है, बहुत से भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर बस जारी हुआ, जैसे CGPSC में प्यून भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर बस आया, रिजल्ट नहीं आया, तो वो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे में जो है 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका जो है 12th पास आउट यदि आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। शिक्षक बनने के लिए आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना ज़रूरी है। यदि आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है और साथ में आपने BEd किया है 2 वर्ष का या फिर आपने DLED किया, देखिए BEd वाले भी मान्य है, DLED वाले भी मान्य है, साथ में TET एग्ज़ाम जो, देखिए शिक्षक बनने के लिए आपका भी तो टेस्ट लिया जाएगा ना, तो जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपके अंदर टीचर्स बनने की क्षमता है तो पहले आपका TET एग्ज़ाम्स लिया जाता है, उस TET एग्ज़ाम्स को आपको जो है क्वालिफाई करना होता है, तब जाकर आपको जो है छत्तीसगढ़ में आप जो है शिक्षक जो है बन पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती होने वाला है, इसके लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगा, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन, फिर BEd, फिर TET एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो कम से कम मिनिमम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 साल। कैटेगरी वाइज भी छूट मिलता है, यदि आप SC और ST वाले हैं 5 वर्ष का छूट मिलेगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का, तो यदि आप SC और ST हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे, वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का जो जॉब है, शिक्षकों का जो पोस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में जो है, इस पर काफ़ी इसमें आपको जो है इम्पोर्टेंस इसमें जो है देखने को मिलता है। तो जितना आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में समझेंगे, उतने ही आप लोगों को बेनिफिट्स होगा, उतने ही ज़्यादा आपको जो है कामयाबी, उतना ही सक्सेस आपको जो है मिल पाएगा। तो सक्सेस अगर आपको चाहिए, कामयाबी अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए तैयारी भी आपको उसी लेवल की करना है, मेहनत भी आपको जो है उसी लेवल की करना है, क्योंकि सफलता क्या मांगता है, सफलता मांगता है मेहनत, सफलता मांगता है हार्डवर्क। सफलता भी बोलता है कि तुम मेहनत तो करो, हार्ड वर्क तो करो, अगर मैच नहीं मिला तो अब कहीं बोलना, और अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो और सिर्फ कामयाबी के सपने सजाए हो, कामयाबी के सपने देख रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, तो बोलने से सोचने से थोड़ी ना सक्सेस मिलेगा। आपको सक्सेस पाने के लिए वो कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करना होगा। जो भी ज़िंदगी में कुछ महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ही कामयाब हो गए? आपको कामयाब लोगों को जब आप देखते हैं ना, तो आप उनके पीछे के संघर्ष की कहानी जानना नहीं चाहते, आपको तो उनकी
सक्सेस नज़र आता है कि यार ये तो इस मुकाम पर इस लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन आपको उसके पीछे की कहानी समझ में नहीं आता कि वो उन्होंने कितना कुछ सहा, कितना कुछ उन्होंने उस मुकाम को पाने के लिए वो मुकाम को पाने के लिए कितना ज़्यादा उसने सहा, कितना ज़्यादा उन्होंने जो है मेहनत किया, तब जाकर उन्हें कहीं कामयाबी मिलती है, तब जाकर उन्हें कहीं सफलता मिलती है। सफलता कोई खैरियत में नहीं मिलता, उस सफलता को पाने के लिए आपको जो है कमाना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको जो है पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है, तब जाकर आपको जो है कामयाबी जो है मिल पाता है। ऐसे ही आपको कामयाबी जो है नहीं मिल पाएगा। तो कामयाबी के सपने देखते हो तो कामयाब होने के लिए भी आगे बढ़ो, कामयाब होने के लिए भी मेहनत करो। मेहनत के आगे सब चीज़ पॉसिबल है, मेहनत के आगे जो है हर एक चीज़ मुमकिन है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, मेहनत करोगे तो तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स हैं, तुम्हारे जितने भी सपने हैं, वो सभी सपने तुम्हारे डेफिनेटली जो है पूरे हो पाएंगे। मेहनत करते जा छोटे, जो लोग तुझे आज पागल बुलाते हैं कल वही लोग तुम्हें शर बुलाएंगे। तो उस पाने के लिए, उस सपनों को, उस ड्रीम्स को, उस अचीवमेंट को पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करते रहना है, लगातार जो है मेहनत करते रहना है। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उत्साह चढ़ाव संघर्षपूर्ण से भरा है, लेकिन आपको उन संघर्षों के बीच में वो रास्ता तलाश करना है, वो मंजिल तलाश करना है, और उस मंजिल को पाने के लिए आपको मेहनत करना है। बस मेहनत करते जाओ, यकीन मानिए एक बार आपने मेहनत कर लिया, एक बार आपने तैयारी कर लिया, फिर आपको ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर आपको ज़िंदगी में हर एक कामयाबी, हर एक सक्सेस, हर एक प्रसिद्धि मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 12489 पोस्ट, 12489 पदों पर जो है भर्ती निकल कर जो है आने वाली है। बस इसके लिए तैयार रहो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है होने वाला है। जितना हो सके आप जो है मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर जो है आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग तुम्हें बोले कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनकी बात बिल्कुल मत सोचो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने काम पर भरोसा रखो, और मेहनत जो है खामोशी से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे। तो सपनों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगा, मेहनत करेंगे तभी आप जो है सक्सेस हो पाएंगे, वरना आपको जो है कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है, मेहनत के आगे सब चीज़ पॉसिबल है।